आईआईटी जेई एडवांस एग्ज़ाम में इस बार बच्चों ने बाजी मारी है। खासकर अगर हम बात करें तो गर्ल्स स्टूडेंट्स हैं, उन्होंने सबसे ज़्यादा बाजी मारी है और अपने देश का नाम जो है वो रोशन किया। अगर हम बात करें जो अलग अलग इंस्टीट्यूट्स हैं, उसमें भी कई जो स्टूडेंट्स हैं लगातार दिन रात उन्होंने मेहनत की और अपने देश का नाम रोशन किया है। इंस्टीट्यूट्स हैं, कई ऐसे इंस्टीट्यूट्स हैं जिसमें जो बच्चे हैं वो अच्छे रैंक लेकर आए हैं। आज हम पहुंचे हैं नारायणा इंस्टीट्यूट में, जहां पर जो कई स्टूडेंट्स हैं उनके साथ बातचीत करेंगे, जिनका रैंक अच्छा है, जो प्रोफेसर से हैं उनसे बात करेंगे। संजय सर, ये जो एडवांस एग्ज़ाम हुए थे, अगर हम आपके इंस्टीट्यूट की बात करें, कितने बच्चे जो हैं इसमें जो है उन्होंने किया है? सर, हमारे जो पैन इंडिया हमारा जो सिलेक्शन है उसमें हमारे ऑल इंडिया रैंक 1 गर्ल्स कैटेगरी में भाव्यश्री और 9th रैंक, 11th रैंक, 13th रैंक एंड 15th रैंक, ये हमारी टॉप रैंक्स हैं। हमारे चंडीगढ़ सेंटर से टोटल 9 स्टूडेंट क्वालिफाई किए हैं, जिसमें से जो बेस्ट रैंक है वो हमारा बच्चा है विनय, इसने जो है वो 578 रैंक उसने अचीव किया हुआ है और मोस्ट प्रोबेबली ही इज़ गोइंग टू IIT दिल्ली कंप्यूटर साइंस और IIT मुंबई कंप्यूटर साइंस, वट एवर ही गेट्स। किस तरह से क्या लग रहा है, क्योंकि ऑब्वियसली बहुत बड़ी, सर बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत प्राउड फील हो रहा है, पेरेंट्स को बहुत प्राउड फील हो रहा है। बहुत अच्छी जर्नी रही, टीचर्स ने बहुत सपोर्ट किया, इंस्टीट्यूट ने बहुत सपोर्ट किया, टीचर्स बहुत फ्रेंडली हैं और जो टीचर्स ने मोटिवेट किया वो बहुत अच्छा था। और डाउट सेशंस मतलब लाइक मैं और बात करूँ तो बहुत कम लाइक डाउट सेशंस होते हैं, मतलब आप इधर नारायणा में ऐसे इंडिविजुअली आप टीचर से डाउट्स ले सकते हैं। वैसे वीकली डाउट क्लासेस होती हैं, बट हम इंडिविजुअल अगर आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा है, डाउट है, तो आप टीचर से जाके बात कर सकते हैं। ये बहुत बड़ी चीज़ है, क्योंकि टीचर का और स्टूडेंट का जो जैसे सर ने भी बताया। यस सर। आप कहाँ से? मैं हरियाणा से। हरियाणा जींद से? यस सर, जींद से। किस तरह से मेहनत की आपने? ऑब्वियसली इंट्रैक्शन होती है, लेकिन सबसे ज़्यादा तो स्टूडेंट पर ही होता है कि उसने किस तरह से स्टडी करनी है। टीचर का तो काम है कि इंट्रैक्शन करना, उसको समझाना, उसके डाउट्स क्लियर करना। यस सर, टीचर्स ने भी बहुत सपोर्ट किया है और मैंने खुद से भी बहुत मेहनत की है। और मतलब बच्चे ये सोचते हैं कि मतलब 24 घंटे पढ़ने लगते हैं, तो वो चीज़ भी मतलब ठीक नहीं है। अगर आप दिन में 8 से 9 घंटे पढ़ रहे हैं वो भी इनफ होते हैं, बट जब आप पढ़ रहे हो तो आपका पूरा कॉन्सेंट्रेट पढ़ाई पे होना चाहिए, लाइक अदर चीज़ का ध्यान आप पे मतलब नहीं होना चाहिए। लेकिन आजकल के टाइम में तो मोबाइल बहुत एक वो चीज़ हो गई कि मोबाइल बहुत बड़ी डिस्ट्रैक्शन है, लेकिन मोबाइल आपके लिए बहुत यूज़फुल भी है अगर आप उसको अच्छी तरह से यूज़ करो, उसका यूज़ अच्छे तरीके से किया। यस, उसका यूज़ अच्छे से करना। लेकिन आजकल मुझे लगता होता नहीं है ज़्यादा यूज़। हाँ, बच्चे करते नहीं हैं, मतलब फ़ोन डिस्ट्रैक्शन भी बहुत ज़्यादा देता है, बट उससे थोड़ा दूर ही रहना चाहिए, मैं तो ये कहूँ। आपने सर करते जो सिंसियर बच्चे हैं ना, वो हर चीज़ का, हर टूल का राइट इस्तेमाल करते हैं। तब सर, आपको नहीं लगता कि जो इसका जो टेक्नोलॉजी आ रही है, ऑनलाइन चीज़ें आ रही हैं, उसका एक यूज़फुल भी है, नेगेटिव भी है, पॉजिटिव? डेफिनेटली उसका हर चीज़ का दोनों पहलू होता है, बिल्कुल पॉजिटिव एंड नेगेटिव। अब हमें एज अ टीम, बच्चों को एज अ कंटेस्टेंट, उनको इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हर चीज़ का पॉजिटिव एस्पेक्ट को इस्तेमाल करो और नेगेटिव से बचो। बिल्कुल। पेरेंट्स से बात कर लेते सर, पेरेंट्स से एक बार बात कर लें जी। क्या सही, मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा है जब मैं खेती बाड़ी का काम करता हूँ सर। खेती बाड़ी जी, बहुत अच्छा आपने परवरिश जो है वो दी है स्टडी को लेकर भी आपने। हाँ जी। कैसे पेरेंट्स कर रहा है? पेरेंट्स ने बहुत मोटिवेट किया है, बहुत साथ दिया है, हर मोमेंट पे साथ दिया है, हर मोमेंट पे मेरे को मोटिवेट किया है और मेरे को भी आज प्राउड फील हो रहा है कि मैं इतने मार्क्स लेके आया हूँ और मेरे फादर साहब को भी बहुत प्राउड फील हो रहा है। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी है। मैडम कैसे देखते हैं? बहुत अच्छे जी। हाँ जी, बच्चा आपका इतना अच्छा स्कोर लेके आया है। हाँ जी, किस तरह से मोटिवेट किया आपने घर में, जब पढ़ाई को लेकर या फिर खाने पीने को लेकर? हाँ जी, खाने पीने में तो हमारा यही है शेड्यूल जी, हम मतलब नॉर्मली खाना खाते हैं, मतलब ज़्यादा कोई वो नहीं है। और पढ़ाई के लिए हमने यही बोला है बेटा, मतलब जितना पढ़ना जरूरी है उतना साथ में रेस्ट भी जरूरी है, दिमाग अगर सही रहेगा तो भी आप स्टडी कर पाओगे। तो यही 6-7-8 घंटे ये स्टडी करता था। स्टूडेंट्स को क्या मैसेज देना चाहोगे? स्टूडेंट्स को ये मैसेज देना चाहता हूँ मैं, लाइक जब स्टडी करते हैं ये फेज ऐसा होता है कि बच्चे, बहुत से बच्चे डिप्रेस भी हो जाते हैं, स्ट्रेस फील करने लग जाते हैं, तो हमें मतलब डिप्रेस नहीं होना चाहिए। मतलब अगर कुछ भी आपको नहीं हो रहा है तो आप अपने पेरेंट्स से बात कर सकते हैं, टीचर से बात कर सकते हैं, वो आपको बहुत मोटिवेट करते हैं, समझाएंगे, आपको कुछ भी प्रॉब्लम है बहुत आपकी हेल्प करते हैं।
तो मतलब इन चीज़ों से थोड़ा बचना चाहिए, डिप्रेस स्ट्रेस, बल्कि अपनी मेहनत करनी चाहिए और फल आपको मिलेगा उसका। संजय सर, टीचर्स का भी एक बहुत बड़ा रोल होता है, पेरेंट्स का भी एक बहुत बड़ा रोल होता है। पढ़ाई बिल्कुल है, जैसे मन लगा के पढ़ाई हो, लेकिन इनका सहयोग भी बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी होता है। इनफैक्ट जो टीचर का रोल होता है ना, लास्ट का जो कुछ मंथ होते हैं ना, उसमें टीचर का रोल, एक्चुअली टीचर के साथ साथ और भी मेजर रोल आता है। एक फ्रेंड का रोल आ जाता है, एक काउंसलर का रोल आ जाता है, क्योंकि जब लास्ट, जब पूरा सब्जेक्ट कवर हो गया रहता है और रिवीजन चल रहा होता है, उस समय बच्चा जब डीप में स्टडी कर रहा होता है तो उसको स्ट्रेस आता है, फ्रस्ट्रेशन भी कभी कभी आता है, कभी कभी जिस तरह का एक्सपेक्टेड उनका स्कोर होता है उस तरह का टेस्ट में स्कोर नहीं आता है, तो फिर से वो एक नेगेटिव सेंटिमेंट डेवलप होता है। तो वो जगह पर बच्चा टीचर से अगर इंटरेक्ट कर रहा है और टीचर्स अगर बच्चे से सही तरीके से इंटरेक्ट कर रहे हैं, तो उस फेज़ में बच्चे को सपोर्ट मिलती है, जिससे वो अपने वो सारे नेगेटिव सिंड्रोम को ओवरकम करके और एक विक्टोरियस चाइल्ड जैसा डेवलप होता है। तो बिल्कुल जैसे बताया कि टीचर्स का, पेरेंट्स का एक बहुत बड़ा रोल होता है। हालांकि मेहनत बिल्कुल बहुत ज़रूरी है, कि मेहनत के बिना कभी कुछ नहीं हो पाया है, कुछ सक्सेस नहीं हो पाया, और एक अपना एक जो है लेवल, यानी कह सकते हैं कि एक मोटिवेशन भी होती है, और इसके साथ साथ अपना भी एक माइंडसेट होता है कि हमने वो चीज़ करके दिखानी है और वो ज़रूर होगी। किसी भी तरह से कोई डिप्रेस, जैसे बताया कि स्ट्रेस जो है वो लेने की ज़रूरत नहीं है, और लेकिन हर चीज़ के पहलू हैं, जो है वो ऑनलाइन स्टडी हो या फिर किस तरह की चीज़ें आ रही हैं मोबाइल में सारा दिन, उसका हर एक चीज़ का एक लेवल है, एक पॉजिटिव वे भी है, नेगेटिव है। अगर नेगेटिव वे मिलेंगे तो नेगेटिव थिंकिंग्स होंगी, नेगेटिव चीज़ें होंगी, और पॉजिटिव वे मिलेंगे तो वो पॉजिटिव ही लगातार चलेगा। चंडीगढ़ से कैमरामैन संदीप कुमार के साथ मनोज राठी, न्यूज़ 18, पंजाब।